हेलो गाइस, इस वीडियो में आपको मैं नेक्स्ट 15 क्वेश्चन देने वाली हूँ फॉर एमएससी एंट्रेंस, फॉर आईआईटी जैम एंड जेएनयू एंड मैनी अदर एग्जाम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और वैसे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आईआईटी जैम के हैं, बायोटेक्नोलॉजी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लोरा टॉक्सिन मैनिफेस्ट्स इस एक्शन बाय, जो क्लोरा का टॉक्सिन है वो अपना एक्शन कैसे मतलब मैनिफेस्ट करता है। तो क्लोरा टॉक्सिन मैनिफेस्ट करता है अपना एक्शन बाय द ट्रांसफर ऑफ एटीपी राइबोस फ्रॉम एनएडी पॉजिटिव, एनएडी पॉजिटिव से अपना एटीपी राइबोस को ट्रांसफर कर देता है। मैं इसका एक एक्सप्रेशन भी बता देती हूँ। ए सब यूनिट ऑफ क्लोरा टॉक्सिन हैज कैटलिटिक प्रॉपर्टी होती है उसकी के पास, जिसके कारण वो क्या करता है, एटीपी राइबोसाइलेट्स जी को, कैटलिटिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, एटीपी राइबोसाइलेट्स प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देगा। जो ए सब यूनिट होगी राइबोसाइलेट्स की, द जी एस सब अल्फा सब यूनिट ऑफ द हिट्रो ट्राइमेरिक डिवाइडेड बाय देम। तो ये हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मायोग्लोबिन शो हाइपरबोलिक रिस्पॉन्स, जो मायोग्लोबिन है वो शो करता है हाइपरबोलिक रिस्पॉन्स, सिग्मोइडल रिस्पॉन्स फॉर ऑटू बाइंडिंग, विच ऑफ दिस इज ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वेशन। हीमोग्लोबिन एग्जिस्ट करता है दो डिफरेंट फॉर्म में, वाइल मायोग्लोबिन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन दोनों के दोनों ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं। मायोग्लोबिन जो है वो रिलेटिवली स्मॉल प्रोटीन से बना हुआ है, जिसका मास 17.8 किलो लीटर है, और ये बना हुआ है मेड अप ऑफ 153 अमीनो एसिड से, जबकि हीमोग्लोबिन एक बना हुआ है 4 पेप्टाइड चैन से। तो याद रखिएगा, जो मायोग्लोबिन है एंड हीमोग्लोबिन है, दोनों के दोनों ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन दो चेन से बना हुआ, हीमोग्लोबिन दो डिफरेंट कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट करता है, रिलैक्स्ड और स्ट्रेस्ड, जबकि मायोग्लोबिन सिर्फ और सिर्फ ब्लड में पाया जाता है विद इन इथ्रोसाइट्स के अंदर, वाइल हाइएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ मायोग्लोबिन पाई जाती है स्केलेटन और कार्डियक मसल्स के अंदर। तो देखिए, मायोग्लोबिन की कंसंट्रेशन तो स्केलेटन एंड कार्डियक मसल्स में पाई जाएगी, हीमोग्लोबिन के चार चेन्स बनाएगा ये। इस सेल लैकिंग एक्टिव टीलोमेरेज, अगर किसी सेल के पास एक्टिव टीलोमेरेज है तो इसके देखिए दो आंसर्स है। अब इसके ऑप्शन तीन थे, हीमोग्लोबिन टेट्रामर है जबकि मायोग्लोबिन टेट्रामर, जबकि मायोग्लोबिन मोनोमर है। देखिए, आईआईटी में जो सेक्शन नंबर बी होता है उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, तो आपको वॉक करा रही हूँ मल्टीपल, जिसके आंसर्स करेक्ट होएंगे। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आरबीसी के अंदर, वाइल मायोग्लोबिन की हायर कंसंट्रेशन होती है स्केलेटन एंड कार्डिक मसल्स में। अगर किसी सेल के पास एक्टिव टेलोमेरेज नहीं है तो क्या होगा, ऑफ कोर्स क्रिएट करेगा प्रॉब्लम यूकैरियोटिक सेल रेप्लिकेशन के अंदर, क्योंकि जब भी सेल डिवाइड होता है टेलोमेरेज में जो छोटा होता जाता है, और इसलिए हम कहते हैं कि सेल की एजिंग हो रही है। विल एक्सपीरियंस अ ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स रेप्लिकेशन साइकिल। टेलोमेरेज एक राइबोजाइम होता है विच इज़ यूज टू रेप्लिकेट द क्रोमोसोम एंड। टीलोमर्स विद द हेल्प ऑफ आरएनएस टेम्पलेट इज यूज इन यूकैरियोटिक सेल्स ओनली, सो इफ द सेल लैकिंग द एक्टिव टीलोमेरेज इट विल एक्सपीरियंस ए ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम लेंथ विद इन ईच रेप्लिकेशन साइकिल। राइट कॉम्बिनेशन चूज करना है फ्रॉम द फ्लोविंग स्टेटमेंट विद इन विद रिस्पेक्ट टू द अमीनो एसिड एक्टिवेशन ड्यूरिंग प्रोटीन बायोसिंथेसिस। जो एनर्जी ड्यूरिंग एक्टिवेशन स्टेप जो होती है प्रोवाइडेड होती है एटीपी हाइड्रोलिसिस से बिल्कुल, और जो मीनोसाइल एलआरएनए सिंथेस्ड होता है कैटलाइज करता है इसके अंदर थ्री प्राइम ऑफ टीआरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होंगे। जो तो फ्लोविंग आर करेक्ट अबाउट द एमएचसी क्लास सेकंड प्रोटीन, तो इसको हम रिकॉग्नाइज करते बाय सीडीवी कोए रिस्पेक्टर्स। दे आर कंपोज ऑफ अल्फा एंड बीटा सेल्स, दे आर इन्वॉल्व इन प्रेजेंटिंग एंटीजन हेल्पर टी सेल्स। एमएचसी क्लास सेकंड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आर ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स है ये, विद साइटोप्लाज्मिक टेल्स एंड एक्स्ट्रासेलुलर आईजी लाइक डोमेन्स। द टी सेल मॉलिक्यूल्स लाइक CD4 बाइंड्स करते हैं इनवेरिएंट प्रोटोन ऑफ ऑल एमएचसी क्लास
सेकेंड मॉलिक्यूल जो क्लास सेकेंड एमएचसी जीन होते हैं एक्सप्रेस एमएचसी मॉलिक्यूल कंस्टिट्यूटिवली ओनली एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स।